रिसेंटली मैं साहिल ब्लूम जी का एक वीडियो देख रहा था। साहिल ब्लूम यूएस के कंटेंट क्रिएटर हैं और वो ट्विटर पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और आजकल यूट्यूब पे भी आ गए हैं। तो साहिल ब्लूम अपनी लाइफ का वन ऑफ़ द ग्रेटेस्ट एडवाइस बताते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी छोटी चीज़ें हैं उनको आप सीरियसली लेना शुरू कर दो, क्योंकि लाइफ का एक बहुत ही ग्रेटेस्ट रूल है कि हाउ यू डू वन थिंग इज़ हाउ यू डू एवरी थिंग। मतलब कि आप एक काम को कैसे करते हो, इससे ये पता चलता है कि आप आपके लाइफ के बाकी सारे काम को कैसे करते हो। तो जब आप छोटी छोटी चीज़ों को सीरियसली लेना शुरू करते हो और उसको अच्छे से करते हो, एफर्ट लगा कर करते हो, तो लोग आप पे भरोसा करने लगते हैं, लोग आप पे रिलाई करने लगते हैं। और जब आप छोटी छोटी चीज़ों को सीरियसली करने लगते हो तो लोग आपको बड़े बड़े काम देने को भी तैयार हो जाते हैं, बड़े बड़े जिम्मेदारियाँ देने को भी तैयार हो जाते हैं। और जब आप छोटी छोटी काम को ही सीरियसली नहीं करते हो, अच्छे से नहीं करते हो, तो लोग आपको भरोसा नहीं करते हैं, आपके ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं करते हैं, आपके ऊपर इतना रिलाई नहीं करते हैं। और ये बात सही भी है। एटॉमिक हैबिट्स के ऑथर जेम्स क्लियर बोलते हैं कि लोग एक्चुअली में छोटी छोटी चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते हैं, और जिसकी वजह से वो लोग लाइफ में सबसे ज़्यादा पछताते हैं, उन लोगों को लाइफ में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो लाइफ में आगे चलकर कंपाउंड हो जाती हैं और आगे चल के इतनी बड़ी बन जाती हैं जिसको पता भी नहीं चलता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बंदा अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, ग्रोथ करना चाहता है, जैसे एक स्पेसिफिक एग्ज़ाम्पल को लेते हैं, जैसे मैं अभी इंग्लिश लैंग्वेज में मेरी इतनी पकड़ अच्छी नहीं है और मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ फ्लुएंटली और अच्छे तरीके से, तो मैंने अपने लिए एक रूल बनाया हुआ है कि मैं हर दिन रात को 5 मिनट इंग्लिश बोलूँगा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट बोलूँगा। और मैं ये पिछले 4-5 मंथ से कर रहा हूँ और आई थिंक मुझे अभी ऐसा लग रहा है, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं अभी किसी के साथ भी आसानी से इंग्लिश में बात कर सकता हूँ। और मैं सिर्फ रोज़ 5 मिनट की प्रैक्टिस करता हूँ, सिर्फ 5 मिनट की। मैं दिन दिन भर क्या क्या करता हूँ उसके बारे में सिर्फ बोलता हूँ, ओनली 5 मिनट। और वो वीडियो मैं फ़ोन में रिकॉर्ड करता हूँ और अगले दिन उसको मैं रिव्यू करता हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या गलत बोला, क्या क्या सही बोला और इसको मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, ना कोई कोचिंग ले रहा हूँ, ना कुछ कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 5 मिनट बोल रहा हूँ। तो ये है पावर छोटी चीज़ों का, कि आप चीज़ों को थोड़े से स्टेप से शुरू कर सकते हो, छोटी छोटी चीज़ों से शुरू कर सकते हो, और वो चीज़ें बाद में आगे चलकर इतनी कंपाउंड हो जाएंगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरी लाइफ कितनी इम्प्रूव हो चुकी है। और यहाँ जब आप छोटी छोटी स्टेप्स करते हो तब कंपाउंड इफेक्ट एक्शन में आता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि कंपाउंड इफेक्ट इज़ द 8th wonder ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कंपाउंड इफेक्ट जो है वो दुनिया का 8वां अजूबा है। ट्रस्ट मी, आप छोटी छोटी चीज़ों को सीरियसली लो, छोटी छोटी चीज़ों को आप एफर्ट डालकर करो, मेहनत से करो, आपकी लाइफ इतनी इम्प्रूव हो जाएगी, आप इतने आगे बढ़ जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा, जैसे मैंने अभी अपना एग्जाम्पल दिया। सो दैट्स ऑल, दिस इज़ फरहान शमीमी, थैंक यू सो मच।